नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार रूटीन। मैं जीतन कुमार हूं। कुंभकर्ण की नींद में हुई सरकार को जगाने के लिए झारखंड जिले से लेकर मुख्यालय तक लोग अलग अलग तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार है कि कान में तेल डालकर सोई हुई है। बकाया भुगतान को लेकर करने की बात हो, चाहे मंदिर खुलवाने की बात हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर बात हो, सभी में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर हम देवघर मुख्यालय के बाहर आपको दिखाएंगे कि दरअसल उनके साथ समस्या है क्या। दरअसल मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, देवघर मुख्यालय के पास एक चौपाल की व्यवस्था होती थी गांव में, जस्ट उसी टाइप की तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दरअसल ये सभी रसोईया संघ की महिलाएं हैं जो स्कूल में खाना बनाने का काम करती हैं, और पूरे देवघर जिले में इनके साथ यही समस्या है। पिछले 6 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप कामकाजी महिला हों चाहे पुरुष हों, अगर आपको वेतन नहीं मिले तो अब घर परिवार कैसे चलेगा। इनके साथ रोजी रोटी की भी समस्या आन पड़ी है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ दरअसल समस्या है क्या। बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सहदेव प्रसाद यादव है, क्या समस्या और क्या है हम झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की आज हड़ताल के अवसर पर बैठे हैं। ये हमारी जो मुख्य संगठन AICCTU है, उसके तहत जो स्कीम वर्कर फेडरेशन है, आज उनका अखिल भारतीय आम हड़ताल है। मुख्य मुख्य मांग क्या है बताइए? मेरा मांग है कि जो रसोईया जो झारखंड में मतलब देवघर जिला में 4000 रसोईया है, इनको 6 महीना से भी मानदेय नहीं मिला है, और जो पूरा ये लॉकडाउन में इन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपना काम किया, बच्चों को घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया, उसका भी कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। इनका न पहचान पत्र है और नाम मात्र का मानदेय है, 1500 रुपया में कोई परवरिश नहीं चल पाता है। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम इसको 21000 रुपया मानदेय दिया जाए, इनको 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाए, इनको अपना पहचान पत्र निर्गत किया जाए, और महीना में कम से कम एक बार प्रखंड मुख्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया जाए कि और आने वाला समय में क्या योजना आया नहीं आया, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनका कोई अफसर सुधी नहीं लेता है। आप बताइए। इनको 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, और स्कूल जाते हैं तो झाड़ू पोछा सब काम करवाते हैं, बच्चों को पानी पिलवाते हैं, ऐसे तो बच्चा जाते नहीं। आज 24 तारीख से पानी पिलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, और घर परिवार कैसे चल रहा है बिना घर परिवार कैसे, जैसे तैसे बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में किसी तरह पढ़ाई करवा रहे हैं, और इस तरह तो कोई आपके पति क्या करते हैं? हमारा पति भी इसी तरह यही काम करते हैं, हम लोग का मदद करते हैं। मेरा संजू देवी नाम है। संजू देवी, आपके साथ क्या समस्या है, अपनी बात करें। हम लोग का समस्या यही है सर, क्या हम लोग रसोईया है, लॉकडाउन में पूरा हम लोग जब तक स्कूल खुला रहा हम लोग स्कूल जाते आते रहे, लॉकडाउन में भी हम लोग को मैडम लोग छोड़ी नहीं। हम लोग लॉकडाउन में अपना जाके स्कूल इधर साफ कीजिए उधर साफ कीजिए सब सारा काम करते रहे, लेकिन हम लोग को बकाया मानदेय नहीं मिलता है। लॉकडाउन में हम लोग को गरीब आदमी का कैसे घर परिवार चलेगा, बच्चा लोग को हम लोग कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं, और हम लोग को तो नहीं देंगे सर, लोग हटा देंगे, हटाने का धमकी देते हैं कि दूसरे कोई आ जाएंगे, आप लोग चले जाइए, नहीं आइएगा तो एक भी दिन छुट्टी नहीं। कौन धमकी देते हैं सर लोग? सर लोग हाँ वही सर, कहीं के हम लोग 9 बजे 8 बजे से स्कूल जाते हैं, कहीं के वही 2 बजे आते हैं, सब काम धंधा छोड़ के बाल बच्चा छोड़ के सब रहते हैं, तो हम लोग महीना महीना पैसा मिलना चाहिए सर। सरकार इन तस्वीरों के जरिए समझिए और कहीं ना कहीं उपाय जो बनता है इनका करिए, क्योंकि ये भी एक सामाजिक प्राणी है, हम ही लोगों के बीच भी रहते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर 6 महीने से वेतन आपको ना मिले और आप काम करते हैं तो घर परिवार कैसे चलता है, बावजूद इसके ये अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं जैसे तैसे। देवघर से लगातार रूटीन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।